अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर एक वीडियो क्रिएटर है जो भी हो एंड चाहते हो अपनी वीडियोस को बहुत ही प्रोफेशनली एडिट करना वो भी अपने पीसी में, तो फिर तो भाई आपको एक बहुत ही हाई एंड एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा एंड इस पे काम करना भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज ए बिगिनर। बट डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं उसी चीज का एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, महाकाश और आप देखे टेक्निकल स्काई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसका इंटरफेस इतना सिंपल है गाइज, मतलब कोई भी एज ए बिगिनर अपने वीडियोस को जो है बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते है एंड बहुत ही प्रोफेशनली जो है एडिट कर सकते हैं। एंड यस, इससे पहले भी मैंने टॉप 3 वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन एंड वर्ल्ड्स इजीएस्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया था। अगर आप उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो फिर उन वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे देखने को मिल जाएगा। वेल, अभी बढ़ते हैं उस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ओर। तो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है वंडरशेयर फिल्मोरा। बेसिकली इसका एक एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर जिसका नाम है फिल्मोरा गो, एंड उसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन पर ही बहुत ही आसानी से जो है अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। एनीवेज, अभी बढ़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर की ओर। सो सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे देखने को मिल जाएगा। सो पहले तो आप उस लिंक पे टैप करके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप इसको ओपन करते हो तो फिर जो है आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिस पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन शो कर रहा है, एंड उन 4 ऑप्शन के ऊपर ही आपको मिल जाएगा कि आप अपने वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको कितना रखना चाहते हो। सो मैं तो यहाँ पर 16:9 यानी कि वाइट स्क्रीन का जो ऑप्शन है उस पे टैप करने के लिए रेकमेंड करूंगा। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर जो फुल फीचर मोड है उस पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। एंड इसका एक खास बात यह है कि आपको जो है इस सॉफ्टवेयर पे 2 थीम्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो है लाइट थीम, उसके बाद है डार्क थीम। सो जो डार्क थीम है वो तो यही है, लेकिन जो लाइट थीम है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर लाइट थीम दिया गया है, शायद कुछ कुछ लोगों को ये लाइट थीम पसंद आया होगा इसीलिए इसको ऐड किया गया है, मुझे पता नहीं। एनीवेज, मैं यहाँ पर डार्क थीम को ही सिलेक्ट करता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो है वीडियो एडिटिंग का जितने भी मेन ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर सीरियली देखने को मिल जाएगा जो कि एक यूनिक पॉइंट है इस सॉफ्टवेयर का। एंड मैं यहाँ पर एवरी ऑप्शंस को जो है डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो फिर आपका ही फायदा होगा। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मीडिया, जिस पर आप यहाँ पर टैप करके आप अपने वीडियो फाइल या फिर ऑडियो फाइल या फिर किसी भी टाइप के फाइल जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक फाइल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मल्टीपल फाइल्स को भी ऐड कर सकता हूँ। सो सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपने जितनी भी फाइल्स को सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। सो आप यहाँ पर जिस वीडियो को ऐड करना चाहते हो आपको सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वीडियो एंड ऑडियो फाइल जो है दोनों अलग अलग हो चुका है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस सॉफ्टवेयर का। सो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वीडियो का जो स्केल है वो बहुत ही छोटा है। सो आप यहाँ पर चाहे तो इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसको जूम इन करने के लिए रेकमेंड करूंगा, उससे जो है आपको एडिटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। सो यहाँ पर आप जिस जगह को कट करना चाहते हो उस पे आपको सिंपली यहाँ पर जो एक बार है उस पे उसको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको एक सीजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे जो है आपको और एक सीजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। किसी भी एक को जो है आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो है ये कट हो जाएगा। कट करने के बाद किसी फाइल को जो है आप बहुत ही आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको सिंपली फाइल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है उस पर टैप करना है, बस हो गया आपका फाइल डिलीट। एनीवेज, आपको यहाँ पर एक सैंपल वीडियो भी देखने को मिल जाएगा जिसको आप चाहे तो वीडियो स्टार्टिंग पर ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है म्यूजिक का ऑप्शन, जिस पर अगर आप टैप करते हैं तो फिर जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक देखने को मिल जाएगा जिनको आपको डाउनलोड करना है, बट फिर भी आप इनको यूज कर सकते हैं अपने वीडियो पर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर टैप करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। सभी फॉर्मेट जो है एनिमेटेड है, जो कि दिखने में बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा कूल है। एंड यहाँ पर आप चाहे तो टेक्स्ट को जो है एडिट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है एंड आप यहाँ पर नॉर्मली जो है टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एंड एडिट करने के साथ ही साथ आप चाहे तो इन टेक्स्ट को जो है रिसाइज भी कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन टेक्स्ट को भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बढ़ते हैं ट्रांजिशंस के ऑप्शन पर, जो कि मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा इस सॉफ्टवेयर का, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन पे टैप करते हैं तो फिर जो है आपको कमाल के ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इनको ऐड करता हूँ तो फिर जो है वीडियो का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपने वीडियो क्लिप्स पर ऐसे
ऐसे टाइप के ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करोगे तो फिर वीडियो का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस पर आपको काफी सारे अच्छे अच्छे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं एंड आप इनको ऐड करके जो है अपने वीडियो का जो लुक है उसको बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर ओवरलेस का ऑप्शन है, अगर आप इस पर टैप करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे फ्रेम टाइप के ओवरलेस देखने को मिल जाते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इनको ऐड करते हैं अपने वीडियो पर तो फिर आपके वीडियो का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। एनीवेज यहाँ पर जो एलिमेंट्स का ऑप्शन है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इस पे जो है आपको बहुत सारे एनिमेटेड स्टिकर्स मिल जाते हैं। अगर आप इनको अप्लाई करते हैं अपने वीडियो पर तो फिर आपका जो वीडियो है उस पर जो स्टिकर्स है, लाइव स्टिकर्स है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इनको ऐड करते हैं एंड आप चाहे तो उन स्टिकर्स को जो है रिसाइज भी कर सकते हैं एंड सिंपली किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है उस पर टैप करके आप यहाँ पर मल्टी वीडियोस को ऐड करके कुछ इस टाइप का लुक दे सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज का कंपेरिजन वीडियो बनाना चाहते हो तो फिर ये ऑप्शन बेस्ट है। वेल फाइनली आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, अगर आप इस पर टैप करते हैं तो फिर जो है फटाक से आपको कुछ इस टाइप का एक विंडो शो करेगा जिसपे आप अपने वीडियो का जो फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वीडियो का मतलब टाइटल क्या रखना चाहते हो उसको भी आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पर टैप करके आप अपने वीडियो को कहाँ पर स्टोर करना चाहते हो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मेनली यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिस पे अगर आप टैप करते हैं तो फिर जो है आप अपने वीडियो का जो रेजोल्यूशन है, उसके बाद फ्रेम रेट है, उसके बाद बीट रेट है, उनको जो है बहुत ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद आपको यहाँ पर नॉर्मली टैप करना है एक्सपोर्ट ऑप्शन पे। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका एडिटेड वीडियो जो है रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वीडियो के ऊपर जो है इंटायर वीडियो के ऊपर आपको कुछ इस टाइप का एक वाटरमार्क जो है करेगा जो कि मतलब वीडियो को एकदम बेकार बना देता है। सो सिंपली अगर आप इस वाटरमार्क को हटाना चाहते हो तो फिर आपको जो है इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना पड़ेगा। सो परचेस करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली सॉफ्टवेयर के ऊपर जो रजिस्टर का ऑप्शन है उस पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जो परचेस का ऑप्शन है उस पर टैप करना है एंड फटाक से जो है आप एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो कि वंडरशेयर फिल्मोरा का ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड आप देख सकते हैं कि आपको जो है नीचे यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस शो कर रहा है। लाइक अगर आप यहाँ पर एक साल के लिए अपने इस वाटरमार्क को हटाना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर $40 जो है पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज करना चाहते हो सिर्फ एक पीसी के लिए तो फिर आपको जो है यहाँ पर $60 देना पड़ेगा। एंड अगर आप इसको लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हो दो या फिर 5 पीसीस के लिए, उसके बाद 6 या फिर 10 पीसीस के लिए तो फिर जो है आपको और भी ज्यादा परचेस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा कि आप अगर आप इसको रियली में खरीदना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर जो $60 का ऑफर चल रहा है अभी उसको ही लेना, ये ऑफर बेस्ट है गाइस। सो यही था वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो फिर उसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, फटाक से उसको डाउनलोड कर लो एंड यूज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको उस पे एडिट करके मजा आता है तो फिर परचेस कर लो, कोई नहीं। एनीवेज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो फिर प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ एंड जिन्होंने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक ऐसे एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गुड बाय।